वेलकम बैक टू माई चैनल। क्वेश्चन नंबर 66 इस देखिए हमारे पास क्या लिखा है। इफ़ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर सच दैट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 7 एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 6k, देन वॉट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एक्यूट एंगल क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो सिंपल सा गाइज, आप क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला कितना होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। तो वेक्टर ए क्रॉस बी हमें दे दिया है, इसका मैग्नीट्यूड कितना हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास है 2 और बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास है कितना 7। तो ऊपर आ जाएगा, देखो 36 प्लस 4 40 हो जाएगा 40 प्लस 9 49 हो जाएगा। 149 कितना होता है 7, तो 7 अपॉन 2 इंटू 7, 7 में 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो गाइस होगा साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बेसिकली आपका यहाँ पे हो जाएगा 1/2। तो साइन थीटा में 1/2 कब आता है, पाई बाय 6 पे आता है, यानी थीटा आपका कितना हो जाएगा पाई बाय 6। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर आएगा ये बोले तो 30 होता है, तो 30 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।